अरे बहू, आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उदय हुआ है क्या? अरे क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे बहू, रोज मैं तुम्हें उठा उठा कर थक जाती हूँ, लेकिन जब तक 10 नहीं बजती तुम उठने का नाम नहीं लेती, और आज 8 बजे ही तैयार होकर बैठी हो, क्यों कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ जी, मुझे मेरा भाई लेने आ रहा है, मैं अपने मायके होली करने जा रही हूँ। ठीक है बहू, जाओ, लेकिन होली के दूसरे दिन वापस आ जाना। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर ये बताओ मैं खाली हाथ कैसे जाऊँ? मुझे 5,000 रुपये दीजिए। देख बहू, मेरे पास तो फूटी कोड़ी तक नहीं है। एक काम कर, तू अपनी सोने की अंगूठी गिरवी रख के चली जा, और जब मायके से वापस आ जाए तो मजदूरी करके उसे छुड़वा लेना। अरे माँ जी, मैं रात दिन आपके घर में नौकरानी की तरह काम करती हूँ, और आज मायके जाने की बोल रही हूँ तो आप मेरी अंगूठी गिरवी रखने की बात कर रही हो। मैं क्यों रखूँ अपनी अंगूठी गिरवी? आप खुद अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दो और मुझे कहीं से भी पैसे लाकर दो। देख बहू, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। एक काम कर, तुम मायके जाना रहने दे, और यही मेरे बेटे के साथ होली खेल लेना। अरे माँ जी, आप कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा भाई लेने आ रहा है, इसलिए मैं तो होली मनाने अपने मायके ही जाऊंगी। ठीक है बहू, मेरे पास तो पैसा नहीं है, फिर भी तुम नहीं मान रही हो तो जाओ, लेकिन किसी से रंग मत लगवाना। ठीक है माँ जी, आप पैसा नहीं दे रही है ना, कोई बात नहीं, अब मैं होली मनाने मायके जाऊंगी और पूरे मोहल्ले के लड़कों से रंग लगवाऊंगी। अरे नेहा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? माँ तुम्हें जाने से मना कर रही है, लेकिन तुम फिर भी जा रही हो, और तो और मोहल्ले के पूरे लड़कों से रंग लगवाने की बात कर रही हो। हाँ मैं तो जाऊंगी और पूरे मोहल्ले के लड़कों से रंग लगवाऊंगी। देख बदतमीज लड़की, मैं तेरी चुटिया काट दूंगी। इसे जाने दो माँ, अब मैं भी अपने पूरे मोहल्ले की भाभियों को रंग लगाऊंगा। खबरदार जो किसी पड़ोसन की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी लुल्ली काट दूंगी। और सासू माँ, आप भी कान खोलकर सुन लो, मुझे रोकने की कोशिश मत करो वरना आपका भी गला दबा दूंगी। अरे बदतमीज लड़की, ज्यादा कौवे की तरह काँव काँव मत कर, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। और मैं भी जले हुए ऑयल से आपका मुंह काला कर दूंगी। अरे भाग्यवान, तुम माँ से बदतमीजी क्यों कर रही हो? लगता है आज तुम्हारी धुलाई करनी पड़ेगी। देखो जी, आप ज्यादा कलेक्टर मत बनो, और मेरे 2 जोड़ी कपड़े बिना धुले हुए पड़े हैं, चुपचाप जाकर उन्हें धो दो, मैं तो चली होली मनाने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।